राजस्थान रॉयल अल्लाह बोल। आईपीएल मैच हिंदुस्तान में चल रहे हैं और आईपीएल मैच में अगर राजस्थान की बात आए, राजस्थान रॉयल का मैच हो और जोधपुर न चलें तो ऐसा हो नहीं सकता। हम लेकर आए हैं आपको जोधपुर में, जहां आईपीएल मैच की तैयारी के साथ साथ में यहां की जो क्रिकेट एकेडमीज हैं वो लोग भी क्रिकेट के प्रति बहुत जागरूक नज़र आ रही हैं और सारे के सारे लड़के हर वक्त तैयार रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो जानते हैं इन खिलाड़ियों से सर क्या कहना चाहेंगे कि राजस्थान रॉयल, अपन राजस्थान के हैं तो राजस्थान रॉयल को किस तरह का गेम खेलना चाहिए कि वो अब आगे बढ़त बनाए। राजस्थान रॉयल्स को पहले तो जैसे एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक जुट होकर खेलना पड़ेगा। वो पहले तो 6 ओवर में पावर प्ले में अच्छा खेलना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, स्लो स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद उनके डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, पहले बीच में सेव करते हैं फिर लास्ट में वापस रन लीक हो जाते हैं। तो उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में रन लीक नहीं हो, उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। रन लीक नहीं हो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में अगर पिच पे उतरेंगे तो राजस्थान रॉयल जरूर जीतेगी। लेकिन अब एक और खिलाड़ी हमारे साथ में जो कि बहुत यंग खिलाड़ी, इनसे जानते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी और तैयार करनी पड़ेगी कि राजस्थान रॉयल जीत कर उभरे। राजस्थान रॉयल्स को एक तो सही से बैटिंग ऑर्डर सेट करना होगा, उनकी रणनीति में थोड़ा सुधार करने पड़ेंगे जिससे कि वो अच्छा खेल में सुधार कर सके। 6 ओवर का वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्ले जैसा अकॉर्डिंग जाना चाहिए, अभी तक एक मैच में यूज किया है, बाकी लास्ट में डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी नहीं हो पा रही है और बॉलर्स का रोटेशन सही नहीं कर पा रहे हैं। कैप्टन बेंगलुरु के साथ में मैच है और कहीं ना कहीं बेंगलुरु के जो कप्तान हैं वही भारतीय टीम के भी टेस्ट मैच के कप्तान हैं, तो देखना ये है कि भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के उप कप्तान के बीच का ये मैच किस तरीके से रंग लाता है, क्योंकि दोनों को जीत पे हाशिए पे हैं, दोनों की जीत हाशिए पे होने के कारण आज राजस्थान रॉयल को जीतना कितना ज़रूरी है हम इनसे जानना चाहेंगे। अगर राजस्थान रॉयल आज नहीं जीतती तो क्या लगता है कि आपकी इच्छाओं पे किस तरह का प्रभाव होगा? हाँ, राजस्थान रॉयल्स नहीं जीतती है तो उनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी, फिर उनको जीतना ही पड़ेगा क्योंकि आईपीएल है, वो पहले भी 3 मैच हार चुकी है और अब तो जीतना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ आज राजस्थान रॉयल जीते और इस टूर्नामेंट में बनी रहे। राजस्थान रॉयल से बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल हिंदुस्तान की सबसे पहली वो आईपीएल जीतने वाली टीम है जो सबसे पहला आईपीएल जीत करके लेके आई थी, कप लेके आई थी, लेकिन अभी तक भी उसके बाद का उसका प्रदर्शन जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत निम्न स्तर का होता जा रहा है। इस स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे साथ में और भी कुछ खिलाड़ी हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय। हाँ, राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छी टीम है, उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स भी है, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट, उनका अच्छे से यूज करना पड़ेगा। और पावर प्ले में राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन को भी भेज सकते हैं। अजिंक्य राणा बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, मेरा कहना ये राजस्थान रॉयल्स के बारे में। इन्होंने तो सीधे सीधे कप्तान को ही कह दिया कि बहुत धीरे स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट कहीं ना कहीं तेज करना पड़ेगा जब तक कि उनको राजस्थान रॉयल को जीतना है। राजस्थान रॉयल की बात की है तो हमारे साथ में भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि भाई विदेशी खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, देश के खिलाड़ियों पर कम दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप राजस्थान तक की टीम को? वो सही से यूज़ नहीं कर पा रहे इंडियन प्लेयर्स का, जैसे राहुल त्रिपाठी, उनको ओपन भेज सकते हैं, उन्होंने ओपन की है पिछले सीजन में भी दो, जैसे सुपर जायंट्स के लिए, पुणे के लिए, उनको ऊपर भेजें वापस। मनन वोरा है, उनको नहीं खिला रहे, वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी यूज़ करें। विदेशी खिलाड़ी अच्छे हैं पर अपने इंडियंस को भी वो यूज़ कर सकते हैं टाइम टाइम पे। स्मिथ को ज़्यादा चांस दिया जाता है, दूसरे खिलाड़ियों को कम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बराबरी नहीं देखने में मिल रही। बराबरी तो है ये, आप ये ऐसा नहीं है, पर ठीक है, उनको भी मौका नहीं मिल पा रहा है, जैसे उनको मौका मिलेगा तो परफॉर्म करेंगे, मौके का ही वेट कर रहे हैं वो सारे खिलाड़ी। अजिंक्य राणा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, राजस्थान की टीम को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी लेंथ सुधारें या क्या करें जिससे कि एक तो जीत उनके पाले में आए? राणा को ही कहेंगे त्रिपाठी को ओपन कराएं और वो वन डाउन आए, और उनको स्टार्ट अच्छा करना पड़ेगा और डेथ ओवर में बॉलर को इनका ध्यान रखना पड़ेगा, किसको यूज़ किस टाइम पे करें, उस वजह से हार रहे हैं डेथ ओवर। जैसे पिछले मैच में भी 1 ओवर 12 रन जीते, विकेट खो दिया पहली बॉल पे तो उन पे दबाव आ गया, वापस रन चेज नहीं हुए, विकेट भी रखने पड़ेंगे और डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, विकेट भी बचा के चलना पड़ेगा और डेथ ओवर्स में अपने आप को संभाल के खेलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर राजस्थान रॉयल इस बार मैच जीत पाएगी। इस बार जीतना बेंगलोर के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना राजस्थान रॉयल के लिए। अब देखना ये है कि दोनों ही कप्तान और उपकप्तान के बीच का ये मैच किस स्तर पर बैठता है। तो इन सब ने एक स्वर में बताया कि राजस्थान रॉयल को इस बार जीत के आना ही पड़ेगा और अच्छे प्रदर्शन के साथ में राजस्थान रॉयल को जीतना ही है। जोधपुर से लोकेश व्यास के साथ नवीन दत्त, राजस्थान तक।